देख ली मेरी ताकत, जमाने भर के गलत काम करके भी मैं जीत गई और तुम अच्छी सच्ची होने के बावजूद भी हार गई। अफसोस। तुम्हें कितनी बड़ी बेवकूफ हो गजल, जिसे तुम जीत समझ रही हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने अपने सर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुमने चालबाजी से इस घर में अपनी जगह तो बना ली, मगर ये भूल गए कि तुम इस घर में जिंदा कैसे रहोगे, क्योंकि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, हैदर, हैदर जान चुके हैं कि तुमने उनकी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उनकी बीवी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, अपने जज्बातों के जाल में फंसाया, उन्हें बेवकूफ बनाया, उनका फायदा उठाया। इसीलिए हैदर तुमसे नफरत करते हैं। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी अम्मी की हालत की वजह तुम हो, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। और रूहान, जिसे तुमने मोहब्बत के जाल में फंसाया था, वो जान चुका है कि तुमने हैदर को उसके बड़े भाई को जाल में फंसाया था। यही नहीं, तुमने उसे मारने की कोशिश की, उसकी बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की, उसकी भाभी को मारने की कोशिश की। रूहान भी तुमसे नफरत करता है। आज हम सब लोग हर जुल्म का बदला लेंगे जो इसने हमारे ऊपर किया है, और इसका बदला होगा इसकी मौत। रूहान की अम्मी भी जान चुकी है कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। वो जान चुकी है कि तुमने उनके बेटे को जान से मारने की कोशिश की, उसे अगवा किया, यहां तक कि तुम्हारी वजह से वो मुजरिम बनने की राह पर चल पड़ा था। इसीलिए रूहान की अम्मी भी तुमसे नफरत करती है। खैर करे, अरे तेरी मरम्मत तो मैं करूंगी बेटा, बस एक बार बाजी गवाही दे दे। मार मार की तरह मुंह नहीं रंग दिया तो मेरा नाम गुलाब सकता नहीं। और अब्बू जी भी जानते हैं कि तुमने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, उनके बेटे का घर बर्बाद कर दिया, उनका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। इसलिए अब्बू जी को तुमसे घिन आती है, वो भी तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। तुम्हारी मौत पक्की है गजल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और तुमने कायनात और हफीज के बच्चे को मारने की कोशिश की, हफीज की बहन की जान लेने की कोशिश की, उसकी अम्मी की जान लेने की कोशिश की। कायनात की अम्मी के साथ क्या क्या नहीं किया तुम सोच भी नहीं सकती कि वो दोनों तुमसे कितनी नफरत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अम्मी की इस हालत के पीछे ना तुम्हारा ही हाथ है। जिस दिन ये साबित हो गया ना, उस दिन हम सब मिलकर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। इस पे तो मैं भी वार करूंगा, ऐसा वार जो इसकी रूह तक को जख्मी कर देगा। और मेरी अम्मी तो मौका ढूंढ रही है कि बस एक मौका मिले और वो तुम्हें जान से मार दे। वो तो तुमसे बेहद नफरत करती है। खुदा कसम, आज ये सारी गोलियां तेरे सीने में ना उतार दी ना, तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।